hello everyone my name is ashok and now you are watching university of entrance in last video we had discussed about the syllabus and now we are going to learn our first topic fundamental of human geography with our first unit human geography nature and scope so what is human geography human geography is. in simple word human geography is the interrelationship between human being and their physical environment इसमें इंसानों और प्रकृति के बीच के संबंधों की जानकारी के बारे में है कि एक दूसरे से प्रकृति और इंसान कैसे इंट्रैक्ट करते हैं लेकिन रियलिटी में इतना इजी भी नहीं है इतना सिंपल नहीं है असल में काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है विद विदाउट फर्स्ट पॉइंट ह्यूमन जोग्राफी स्टडीज़ द इंटरलेसनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द सोशल

सिंथेटिक स्टडी ये क्या है एक इनके हिसाब से बहुत ही जटिल रिलेशनशिप है मतलब कॉम्प्लेक्स कौ, से भी ज़्यादा मतलब डी कॉम्प्लेक्स अति जटिल रिलेशनशिप किसके बीच की है ह्यूमन बीइंग और फिजिकल इन्वामेंट की एल सैम्पल वॉज एन अदर स्कॉलर हु स्टेटेड दैट ह्यूमन जोग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ हम सभी जानते हैं अर्थ अनस्टेबल है ये ग्रेजुअली बदलती रहती है और वैसे ही इंसान भी है इंसान भी अनरिस्ट क्यों कहा है इनमें क्योंकि ये स्थाई नहीं है जैसे हम अनरिस्ट हैं हम बढ़ते रहते हैं आगे जैसे पहले हमने साइकिल बनाई फिर हमने उसमें मोटर लगा के मोटरसाइकिल बना दी फिर हमने इस पर दो पहिये और ऐड कर दिए फिर हमने इसे कार बना दी वैसे ही हम ये एग्जांपल मान दिए अनरिस्टनेस का है इंसानों के कि हम आगे बढ़ते रहते हैं तो ये जब इंसान और प्रकृति दोनों चेंज हो रही हैं तो रिलेशनशिप भी इनके बीच की बदलती रहेगी एल एन सी सैम्पल बस यही कह रहे हैं कि ह्यूमन जोग्राफी क्या है इज द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ अनस्टेबल अर्थ हमारा फिजिकल मॉमेंट है और अनरेस्टिंग मैन हमारे ह्यूमन बींग है नाउ अर्थ अर्थ मेनली कंप्राइज ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स फर्स्ट इज नेचर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड इज लाइफ फॉर्म फिजिकल एन्वायरमेंट में हमारा आता है वाटर जो भी सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स जो भी आप देखते हैं जिसमें जीवन नहीं है वो सभी क्या है हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट के पार्ट हैं एंड uh, uh, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे हमारे सेकेंड पॉइंट पे आते हैं वो है लाइफ फॉर्म क्योंकि सब में जीवन है बेसिकली अर्थ में यही दो चीज़ें हैं या तो वो हमारा सराउंडिंग देखिए जीवन के जो इंसानों के आसपास क्या है सारा सराउंडिंग है जो जीवित हैं वो हमारे लिविंग फॉर्म में आएंगे सेकेंड पॉइंट में जो भी है नॉन लिविंग थिंग्स हैं नेचर नेचर पे जाते हैं हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट पे जो सपोर्ट करती है लाइफ को नाउ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन इंसानों का प्रकृतिकरण इसको कैसे समझते हैं इंसान मतलब नेचर ने इंसानों को कैसे गाइड किया हाउ टू सर्वाइव मतलब पहले जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं इसमें है प्रकृति ने हमें ये पौधे दिए हैं मगर ये पका के नहीं ये रॉ है तो अभी क्या है नेचर हमें पकाना नहीं बता रही ना ही वो सिखाती है नेचर ने हमें बस ये चीजें दी हैं और प्रकृति ने इसमें न्यूट्रिशन डाले हैं और इंसान बस उसको खा लेता है तो ये एक इकोसिस्टम एक तो बन रहा है बट इसमें क्या है गाइड कौन कर रहा है केवल प्रकृति कर रही है इसमें अभी इंसानों ने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया ऐसा क्यों है क्योंकि अभी हम इस स्टेज में नेचर के फोर्सेस को अच्छे से नहीं समझते हम फायर को कंट्रोल करना नहीं जानते हम काफ़ी अभी प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं हर मामले में देखिए आप प्रकृति से ही हम जुड़े हैं हर एक चीज़ के लिए अभी चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट से इन अर्ली स्टेजेस ऑफ देर इंट्रैक्शन विद नेचुरल इन्वायमेंट ह्यूमसली इंफ्लुएंस्ड बाई इट क्या है नेचर के इन्वायरमेंटल जो है नेचुरल इन्वायरमेंट उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुन्स हैं। एंड अडेप्टेड टू डिकटेट ऑफ नेचर नेचर ने जैसे डिक्टेट किया वैसे ही हमने उसे अडेप्ट किया ये हमें कब की स्थिति है ऐसी जब प्रमिटिव हम थे हम हमें जब बिल्कुल भी इंटलेक्चुअलिटी नहीं थी हमने कुछ भी खोजा नहीं था तब जैसा क्यों था क्योंकि लो इंट्रैक्शन ऑफ हमारा नेचर था हम नेचर को समझते नहीं थे हमने समय से इसको समझा एंड नाउ दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन प्रेमटिव ह्यूमन सोसाइटी देखे प्रेमटिव ह्यूमन सोसाइटी क्या है ये जो प्रकृति से सीधी ही अटैच है एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर वॉस टर्म डेज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इस वर्ड को हम बाद में समझेंगे क्या है इसमें क्यों ऐसा है क्योंकि हम जो नेचर के स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं इसको हम नहीं जानते हैं और हम जो है बहुत ही प्रकृति से बहुत जुड़ के जी रहे हैं अभी हमने प्रकृति प्रकृति ने जो हमें दिया है उसी के हिसाब से हम बस जी रहे हैं जैसे उसने हमें फल दिए हमने फल सीधे ही खा लिए हमने उसमें कुछ भी टेक्नोलॉजी लगा के बदलाव नहीं किए बस यही है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस कैसे इंसानों को प्रकृति ने गाइड किया नाउ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर अब जानेंगे कि कैसे इंसानों ने प्रकृति के ऊपर प्रभाव डाला क्योंकि हम हमने जाना है कि इंसान प्रकृति और प्रकृति इंसान दोनों आपस में कैसे म्यूचुअल इंटरेक्ट करते हैं तो अब इंसान ने कैसे नेचर में प्रभाव डाला ये समय के साथ हुआ है वेन द पीपल बिगेन टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट एंड द फोर्सेज ऑफ नेचर विद पैसेज ऑफ टाइम समय के साथ हमने जो है सीखा पहले अर्ली ह्यूमंस क्या थे वो नहीं जानते थे लकड़ी के यूज़ करना बट ग्रेजुअली हमने देखा कि हम लकड़ी के यूज़ से घर बना सकते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए हमने नावें बनाई ये जानते हुए कि जो लो डेंसिटी का है वो हमेशा तैरता है जैसे पानी में जिसकी लो डेंसिटी जो पानी कि डेंसिटी से जो भी लो डेंसिटी का होगा वो पानी के ऊपर सरफेस सर्फेस तैरेगा ये क्या है ये फोर्स ऑफ़ नेचर है इसको हमने जब समझा तब हमने नाव बनाई और हम इस पर के जाने लगे तो ये कैसे आए समय के साथ हमने सीखा दे मूव फ्रॉम नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम नेसेसिटी की स्टेज वो है जब हम अर्ली हूमर्स का जैसे पहले फोटो आपने देखा उसमें इंसान सीधे खाने के लिए ही उसका मेन बेसिक क्या है काम वो खाना चाहता है वो जीने के लिए खाता है और खाने के लिए वो जी रहा है हर वो हर वक्त बस खाने के लिए तलाश में है क्योंकि उसमें वो और कुछ नई टेक्नोलॉजी जानता जिससे वो और कुछ कर सके तो ग्रेजुअली हमने जब ये जाना हमने स्टोर करना सीखा खाने को तब तो क्या हुआ हम नेसेसिटी से हट गए अगर हमारे पास खाना स्टोर में है तो हम ढूंढने नहीं जाएंगे उसे हम उसे वहीं कंज्यूम कर लेंगे और बचे हुए टाइम क्या है हमारे फ्री हो जाएगा बस उसी टाइम को इसमें क्या है फ्रीडम हम इस स्टेज में आ गए कि हम कुछ समय अपने लिए मतलब और अपने कामों के लिए निकाल सकते थे सोचने के लिए जिससे हम और बेहतर कुछ सोच सकें या और बेहतर कर कर सकें जैसे ये घर बनाना है अब इसकी पहले ह्यूमन इसको खा लेते थे, थे इस पर कपड़े का कोई यूज इसके मतलब लेदर का कोई यूज़ नहीं करते थे अब ग्रेजुअली हमने इसका लेदर को बचाना सीखा इसको प्रिजर्व किया तो ये कैसे ग्रेजुअली आ रहा है और इससे क्या होता है हमारा नेसेसिटी के हट के हम फ्रीडम के स्टेज में आ गए हैं नंबर थर्ड पॉइंट इज नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बींग मेक यूज ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट ह्यूमनाइज ऐसे ही बस कैसे स्लोली जो है नेचर गेट ह्यूमनाइज कैसे इंसानों ने प्रकृति में कैसे कैसे, कैसे ग्रेजुअली प्रभाव डाला आज हम इस स्टेज में है कि हम प्रकृति की लगभग चीज़ जानते हैं एंड स्टार्ट बियरिंग द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन इंडेवर अब देखिए इसको बताया है कैसे इंसान अपने प्रभाव को प्रकृति में छोड़ रहा है अब आप देख ही रहे हैं कि इंसान प्रकृति को लगभग जानता है लगभग तो नहीं कहेंगे मगर हाँ मोस्ट मोस्टली अब नेचर ऑफ फोर्सेस को जानते हैं हम उसी हिसाब से हम काम करते हैं जैसे पहले एरोप्लेन्स नहीं थे हम नहीं जानते थे चीज़ें ये जो पक्षी उड़ते हैं किस लॉ से उड़ते हैं हमने ग्रेजुअली जाना आज हम एरोप्लेन बना पाए तो ये कैसे हुआ है ग्रेजुअली टाइम टाइम पैसे से अब लोग तो फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा इनोवेशन होंगे वो कैसे होगी जब हम नेचर को और बेहतर समझ पाएंगे तो यही है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कैसे प्रकृति में इंसान अपना प्रभाव डालता है नाउ हम लोग जानेंगे इन्वायरमेंटल डिटर्मिज़म को टल है क्या असल में डिटर्मिनिज्म है नियतिवाद ये क्या है नियतिवाद नियतिवाद का आप नियति जानते हैं लोग कहते हैं कि ये आपकी नियति है आप कुछ भी कर लें आप उस अपनी नियति नहीं बदल सकते जो जो लिखा हुआ है वही होता है ऐसा ही समझ लीजिए तो इसमें क्या है प्रकृति ही नियतिवाद है प्रकृति ही नियति तय करती है बस यही है इन्वामेंटल डिटर्मिनिज्म इन जो इस थेरी को मानते थे इस इन्वायरमेंट डिटर्मिन उनके हिसाब से है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वही गाइड करता है ह्यूमंस को और ह्यूमंस उसी हिसाब से हिस्ट्री उसकी है उसी हिसाब से वो कल्चर बनाता है वैसे ही उसकी सोसाइटी होती है और लाइफ उसी के हिसाब से होती है डेवलपमेंट एक्सर सारी चीज़ मतलब जो भी सेब दे रहा है ह्यूमंस को वो है उसका फिजिकल इन्वायरमेंट यही है नियतिवाद मतलब इंसानों ने खुद पे कुछ नहीं किया प्रगति ने ही जो कराया वो कराया यही है नियतिवाद बात प्रकृति का इन्वायरमेंटल डिटर्मिनी नो पॉसिबिलिज्म पॉसिबिलिज्म से आप सब पॉसिबल ही समझ में आ पॉसिबल मतलब आप कुछ पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं इसमें इस थे में the possi, uh, क्या है द ऑफ पॉसिबिलिज्म स्टेट्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है फुल है इट अप टू ह्यूमन हाउ दे यूज इट इनके हिसाब से क्या है कि इंसानों ने ही जो सोचा मतलब इंसानों इंसान ही मेन है डिसाइड करने कि उसे करना क्या है प्रकृति ने कुछ नहीं किया जो किया इंसानों ने किया ये पॉसिबिलिज्म है कि प्रकृति में क्या है बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज दे रखी ये और ये इंसानों के ऊपर निर्भर करता है वो कैसे इसे यूज करते हैं ये है हमारा पॉसिबिलिज्म अब ये दोनों ही थेरी पासली थोड़ी थोड़ी आ, कहा जाए तो इनमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स हैं जैसे ऐसा पूरी तरह नहीं है कि कुदरत ने ही गाइड किया है हर एक चीज़ के लिए इंसानों को और ऐसा भी नहीं है कि इंसान ही सर्वोपरि है और उसने ही अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया क्या हमें यूज़ करना है क्या नहीं करना इस चीज़ क, इसके बीच की थेरी है इसे कहते हैं न्यो डिटर्मिज़म डिटर्मिज़्म इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था एक जोग्राफर थे हमारे ग्रिफिट टेलर ग्रिफिट टेलर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को नियो डिटर्मनिज्म इसमें क्या है ये फिजिकल इन्वायरमेंट है और ये ह्यूमन बीइंग है अकॉर्डिंग टू पीपल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल डिटर्मनिज्म इसमें क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट को ही सबसे हेड पे रखा है कि जो भी चेंज हो रहा है ये इसके हिसाब से हो रहा है फिजिकल इन्वायरमेंट के एंड पॉसिबिलिज्म के हिसाब से क्या है कि इंसान ही है उस चेंज का कारण जो भी चेंज हो रहा है वो इंसान ही कर रहा है बट न्यू डिजन में क्या है इनके हिसाब से जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ये सेट करती है लिमिट ये लिमिट सेट करती है कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इस फिजिकल इन्वायरमेंट के दायरे में ही हैं मतलब आप लॉ ऑफ नेचर को जानिए बट आप लॉ ऑफ नेचर को चेंज नहीं कर सकते मतलब अकॉर्डिंग टू हिम जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड कराई गई है बस उसी में ही इंसान सीखता है उसी में इनोवेशन करता है जो भी बदलाव कर रहा है प्रकृति में वो बस इस लिमिट के दायरे में रह के करता है तो इसमें क्या हो गया ये मिडिल पाथ हो गया जिसमें मेन जो है सर्वोपरि बताया गया है फिजिकल इन्वामेंट को जो सारे अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज को होल्ड करता है पॉसिबिलिटीज़ को होल्ड करता है एंड ह्यूमन देन ह्यूमन जो ह्यूमन बीइंग इस पॉसिबिलिटीज को एज अ अपॉर्चुनिटी देखता है सो इट रिफ्लेक्ट द मिडिल पाथ बिटवीन द इन्वायरमेंटल डिटर्मनिज़म एंड पॉसिबलिज्म इसमें कोई भी नहीं है मतलब ऐसा नहीं इसमें कहा जा सकता कि प्रगति ही पूरी तरह गाइड करती है ह्यूमन बीइंग को और ना ही यह कहा जा सकता है ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से प्रकृति को बदल रहा है ना इसमें क्या है पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ये इन्वायरमेंट एंड उसको यूज़ करता है अपने हिसाब से ये ह्यूमन बींग सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड आपस में लोगों के साथ शेयर करें थैंक यू